हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आलू बुखारे के पेड़ की, जो कि मेरे घर में काफ़ी देर से लगा है, तो इसकी वीडियो मैं पा नहीं पाई। तो आज मैं सोचा कि मैं आपको इसकी वीडियो पा देती हूँ, क्योंकि लेट तो बहुत हो गया है, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, तो थोड़ा हेल्थ का इशू था, इसकी वजह कारण नहीं बना पाई। तो जब मैं यहाँ आई तो थोड़े पेड़ पौधे भी ख़राब हो चुके थे, लेकिन देखभाल करने से चलो फूटिंग आई है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये आलू बुखारे को कितने अच्छे आलू बुखारे लगे हुए हैं। लेकिन इसकी ना एक कंप्लेंट है कि जब जो ये पेड़ बड़ा हो जाता है ना, तो हवा के कारण इसके फूटिंग जो ना नीचे बहुत आती है, नीचे गिरने लगते हैं। काफ़ी अच्छा साइज़ हो जाता है, काफ़ी अच्छा इसका कलर था, रेड कलर का हो जाता है, स्वीट भी काफ़ी हो जाता है, बिल्कुल खटास नहीं रहती इसमें जब जो पक जाता है, तो काफ़ी अच्छे लगते भी काफ़ी ग्रोथ में है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। ये देखिए ऐसे जैसे डाली पे लगे हुए हैं ना, आप देख पा रहे हो तकरीबन ऐसे ही ऊपर से भी डालियां जो हैं वो भरी हुई हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो एक दूसरे में बजने की वजह कारण जे नीचे बहुत आते हैं। आपको नीचे पे हुए भी दिखाती हूँ, काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं। तो इस वीडियो में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप बताइए कि कितने परसेंट जो प्लांट हैं वो पानी के अंदर हैं, प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और अपने माइंड से दीजिएगा कि कितने परसेंट जो है वो प्लांट हैं जो पानी में हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर तक देखिए कैसे डालियाँ भरी हुई हैं, आपको दिखाई दे, मुझे तो कम ही दिख रहे हैं कैमरे में। ये देखिए ऊपर तक बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है ना, ये देखिए जिससे 7 साल का पौधा है, ये देखिए इसका नीचे से सामने कितनी मोटी हो चुकी है, काफ़ी बड़ा पेड़ है ये तो, काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। जिनके घर में भी जगह है, आप प्लीज़ फ्रूट वाले प्लांट पौधे लगाइए, और तो मन को बहुत अच्छा लगता है, दूसरा आप घर का फ्रूट खाइए, नाले तो रौनक लगी रहती है, नाले तो ये आदमी थोड़ा बिजी रहता है उसकी देखभाल में, आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फ्रूटिंग मिलेगी, आपको हरे हरे लीव्स देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये काफ़ी अच्छे गुण होते हैं इसमें, और घर में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए अच्छे फ्रूटिंग आई है, बस कारण यही है कि जो ऊपर जब हवा चलती है ना, 2-3 दिन हो गए हवा बड़ी तेज़ चल रही है, उसकी वजह कारण नीचे बहुत गिर रहे हैं, तो उसकी वजह कारण थोड़ी मन को परेशानी होती है कि कच्चे नीचे गिरी जा रहे हैं हरे हरे, थोड़े बड़े हो जाए नीचे गिरे तो चलो किसी को दिए जा सकते हैं खाने के लिए, लेकिन वो कच्चे गिरने की वजह कारण वो किसी काम के नहीं हैं अभी। तो ये देखिए नीचे कितने गिरे हुए हैं, ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे आंवले गिरे होते हैं ग्रीन कलर के, जो वो दूर तक गए हुए हैं। लेकिन देखिए ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बड़े हैं, ये जोड़े जोड़े भी गिरे हुए हैं, ये देखिए कितने सारे, काफ़ी वो दूर तक गए हुए हैं, गिरे हुए हैं वो दूर तक गए हैं, काफ़ी सारे लगे हुए हैं, जिधर जिधर लगे हैं वहाँ तक गिरे हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए, और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो आप का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे बैक, तो थैंक यू सो मच।